हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिसेज बेक्टर फूड के क्वार्टर फोर 21 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड देख लेते हैं। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए रिकमेंड किया है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए ₹2.40 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 450 के अराउंड, तो कंपनी ने अपने शेयर प्राइस पर अराउंड 0.5% का डिविडेंड रिकमेंड किया है, और यह डिविडेंड के शेयर होल्डर को तभी मिलेगा जब आने वाली एजीएम में यह डिक्लेयर किया गया। तो चलिए अभी डायरेक्टली रिजल्ट पे चलते हैं। हम इस क्वार्टर के कंसोलिडेटेड रिजल्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, यह कंपनी के करंट क्वार्टर डेट इज क्वार्टर 421 के रिजल्ट है, यह पिछले क्वार्टर डेट इज क्वार्टर 321 के रिजल्ट है, यह पिछले साल सेम क्वार्टर डेट इज क्वार्टर 420 के रिजल्ट है। हम इस क्वार्टर रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि इस क्वार्टर के रिजल्ट कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, और जहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रुपीज इन मिलियंस एक्सेप्ट पर शेयर डाटा। तो चलिए सबसे पहले कंपनी की इनकम देखते हैं। इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है वो है 2,253 मिलियन, पिछले क्वार्टर की थी 2,269 मिलियन, पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 1,948 मिलियन। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, इनकम ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी सी ही कम हुई है, अराउंड 15 मिलियन। एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी की इनकम अच्छी खासी इंक्रीज हो गई है, अराउंड 300 मिलियन। अभी देख लेते हैं खर्चे। इस क्वार्टर के जो टोटल खर्चे हैं वो है 2,080 मिलियन, पिछले क्वार्टर के थे 1,992 मिलियन, पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 1,827 मिलियन। यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, इस क्वार्टर की इनकम तो 15 मिलियन कम है, पर जो खर्चे हैं वो ज्यादा हैं, अराउंड 90 मिलियन के। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्रीज हो गया है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का इस क्वार्टर का, वो है 173 मिलियन, पिछले क्वार्टर का था 276 मिलियन, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 120 मिलियन। तो देखिए फ्रेंड, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम तो ऑलमोस्ट सेम थी, पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो इस क्वार्टर का काफी कम है पिछले क्वार्टर से। क्यों? क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन इस क्वार्टर का काफी कम हो गया है। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो है इस क्वार्टर का 127 मिलियन, पिछले क्वार्टर का था 206 मिलियन, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 90 मिलियन। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 40% डिक्रीज हो गया है, एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 40% इंक्रीज हो गया है। तो कंपनी के रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छे नहीं है, पर ईयर ईयर बेसिस पे काफी अच्छे हैं। अभी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। इस क्वार्टर का जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो है ₹2.17, पिछले क्वार्टर का था ₹3.60, पिछले साल सेम क्वार्टर का था ₹1.58। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड ₹1.43 पर शेयर डिक्रीज हो गया है, एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 59 पैसे, दैट इज 0.59 रुपीज पर शेयर इंक्रीज हो गया है। तो कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छे नहीं है, पर ईयर ईयर बेसिस पे काफी अच्छे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मेनली क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि इनकी इनकम तो ऑलमोस्ट सेम है, पर जो खर्चे हैं इस क्वार्टर के वो पिछले क्वार्टर से कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। डेट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए ₹2.40 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी रिकमेंड किया है। ओके, थैंक्स।